अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 9 का ए, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन। तो वे कंपनी का नेम है शमीम लिमिटेड, परचेज अ मशीन ऑन फरवरी 28, 2007 एट अ प्राइस ऑफ ₹4 लाख। इट्स रेजुअल वैल्यू एंड स्क्रैप वैल्यू वाज एस्टिमेटेड 20%। द लाइफ इज टू बी एस्टिमेटेड इन 5 years, इन यूनिट 32,000 एंड इन आवर 64,000। द कंपनीज ईयर एंडेड ऑन December 31st ईच ईयर। रिक्वायर्ड पे आते हैं, डिटरमाइन द डेप्रिसिएशन ऑन मशीन फॉर 2007, 2008, 2009 अंडर द फॉलोइंग मेथड्स। वर्किंग आवर क्या है, 2007 में मशीन चली 1500 आवर्स, 8 में चली 2500 आवर्स एंड 2009 में चली 2000 आवर्स। फिर है प्रोडक्शन यूनिट यानी यूनिट प्रोडक्शन मेथड, क्या है 2007 में चली 7500 यूनिट्स और 8 में चली 8500 यूनिट्स और 9 में चली 6700 यूनिट्स। ठीक है, मशीन ने वर्क किया। ओके जी, अब शुरू करते हैं, सवाल की तरफ आते हैं। 11 रेगुलर 9 का ए है, ठीक है ना, सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। हेडिंग दली कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। फॉर्मूला, ईयरली डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन इयर्स। तो भाई कॉस्ट कितनी है मेरे पास, कॉस्ट है 4 लाख और स्क्रैप वैल्यू 20%। तो 4 लाख का 20% कितना हो जाएगा आपके पास, 80,000। ठीक है, तो 4 लाख माइनस 80,000 लिखा, लाइफ कितनी है आपकी। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड आपके टॉपिक में नहीं, मैंने वैसे ही करा दिया था। तो हम करेंगे डायरेक्ट जो रिक्वायर्ड है उस पर आते हैं, वो रिक्वायर्ड है वर्किंग आवर मेथड, हम डायरेक्ट इसी पे आएंगे। स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड नहीं था, क्या रिक्वायर्ड है, वर्किंग आवर मेथड। तो कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग वर्किंग आवर मेथड, पहले निकलेगा पर आवर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन आवर्स। कॉस्ट थी 4 लाख, स्क्रैप वैल्यू 80,000, लाइफ इन आवर्स कितना है, 64,000 है। ठीक है जी, ये लिखा हुआ लाइफ इन आवर्स 64,000, इसको हमने आउटपुट किया। 4 लाख माइनस 80,000 320,000 आया, डिवाइड बाय 64,000, तो पर आवर आ गया 5। यानी आपकी मशीन हर घंटे पे ₹5 से डेप्रिसिएट करेगी। ठीक है जी, फिर लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2007। पहले साल कितने घंटे चली मशीन, 1500, तो भाई 1500 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा, 7500। दूसरे साल पे आते हैं, मशीन चली सेकेंड ईयर 2500, लिखा मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 5, कितना आ जाएगा 12500। ठीक है, थर्ड ईयर पे आते हैं, तो भाई थर्ड ईयर का जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम, कैसे आएगा, 2000 घंटे चली मशीन 2009 में, 2000 आवर्स, 2000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा 10,000। तीनों अमाउंट को प्लस करेंगे, 7,500, 12,500 और 10,000, तो बनेगा टोटल अलाउंस और डेप्रिसिएशन 30,000। फिर आप क्या करेंगे, स्केड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन बनाते हैं। पहले क्या आपने यहाँ पर एयर, कॉस्ट ऑफ मशीन 4 लाख सेम रहेगी, पहले साल था डेप्रिसिएशन 7,500, 12,500 और 10,000, तीनों साल लाइन से 7,500 2007 में, 2008 में 12,500 और 2009 में 10,000, तीनों डेप्रिसिएशन ने एज इट इज लिख दिए। अब लिखेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, जिसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 7,500 यहाँ लिखा, इसमें 12,500 प्लस करे 20,000 हो गया, 20 में 10 प्लस करा 30,000 हो जाएगा। फिर लिखेंगे बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कैसे आएगी, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 7,500 कितना जाएगा 392,500। सेकेंड ईयर पे आते हैं, 4 लाख कॉस्ट है, माइनस किया 20,000 कितना आ जाएगा 380,000, बुक वैल्यू आ गई। थर्ड पे आते हैं, 4 लाख कॉस्ट है, माइनस 30,000 कितना आ जाएगा 370,000। ये हो गया मेरे पास कौन सा, आपके पास प्रोडक्शन आवर या वर्किंग आवर मेथड कंप्लीट। ये रिक्वायर्ड सवाल में क्या था, डेप्रिसिएशन निकाले और इसके मुताबिक आपने डेटा को प्रेजेंट करना है, इस फॉर्म में कर चुके। अब आते हैं यूनिट प्रोडक्शन मेथड, कॉस्ट आपकी 4 लाख, स्क्रैप है 20%, लाइफ है आपकी, अच्छा लाइफ कितनी है इसकी, इन यूनिट 32,000 यूनिट है। ठीक है ना भाई, तो क्या करेंगे हम,
4 लाख माइनस 80,000 डिवाइड बाय 32,000, तो 320,000 डिवाइड बाय 32,000 क्या, तो कितना आया पर यूनिट डेप्रिसिएशन? 10 रुपए आ गया, यानी आपकी मशीन हर यूनिट पे 10 रुपए से डेप्रिसिएट करेगी। ठीक है जी, अब निकालते हैं डेप्रिसिएशन फॉर 2007। पहले साल कितने यूनिट चलिए देखो, पहले साल चलिए यानी 2007 में 7,500, 8 में 8,500, 9 में 6,700, तीनों यूनिट लिखे 7,500, 8,500, 6,700, रेट से मल्टीप्लाई किया, डेप्रिसिएशन आ गया 75, 85 और 67, तीनों के यहाँ लिखा, प्लस क्या टोटल अलाउंस रिवीजन आ गया 2,27,000, जो कि हमारा यूनिट प्रोडक्शन मेथड। अब इसके स्केड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन पे आते हैं, कॉस्ट आपके एज इट इज 4 लाख रहेगी और डेप्रिसिएशन आपके यहाँ से लिखेंगे 75,000, 85,000, 67,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, 75 प्लस 85 160 प्लस 87 227। कॉस्ट में से 75,000 माइनस करेंगे 325 आ जाएगा, 4 लाख माइनस 160 240 आ जाएगा, 4 लाख माइनस 227 173 आ जाएगा। ठीक है बच्चों,